झेलम चेनाब रावी व्यास और सतलज, ठीक है, बनाइए इसको। ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। अभी तो जो बता रहे थे वो उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है, वो सारी भी है। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं हमेशा, यहाँ से। लेकिन हम लोग को पढ़ना चाहिए, उसको भी पढ़ना चाहिए कि नहीं, ठीक है ना। हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं, ठीक है, चलिए। हो गया ना, देखिए। सबसे पहले झेलम, झेलम रेवा, ठीक। तो अच्छा बताइए, इंडस रिवर का ओरिजिनेशन कहाँ था? भारत में था? नहीं, कहाँ था? तिब्बत में, मानसरोवर लेक। लेकिन झेलम का कहाँ है? इंडिया में ही है, कश्मीर में। एक जगह है वेरीनाग, वेरीनाग के पास में एक शेषनाग लेक है। क्या? शेषनाग लेक। और वहां से ये रिवर निकलती है और जाके बाद फाइनली कहां मिल जाती है? फिर इंडस में। किसमें? इंडस में। किसमें मिल रही है? इंडस में, ठीक। अब देखिए, तो आपसे पूछा जाए कि झेलम रिवर का ओरिजिनेशन कहां है, तो आप कहां बताएंगे? वेरीनाग के शेषनाग लेक पर, ठीक है ना। यहां पर एक सिटी है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, और वो कौन सी है? श्रीनगर। क्या है? श्रीनगर। तो श्रीनगर किस पर है? झेलम रिवर पे। किस पर है? झेलम रिवर पर, ठीक। अब आगे देखिए, इस पर दो लेक भी है। क्या? दो लेक। एक लेक है आपकी, मान लेते हैं यहां पर, ये है डल लेक। सुने ना, अब यहां पे फॉर्मूला रेस हुई थी, देखा था? मतलब फॉर्मूला रेस, कार की जो रेस होती है, फॉर्मूला हुई थी कि नहीं हुई थी ना? हाँ, कहाँ हुई थी? डल लेक के ही उस पूरे उसमें रोड पर, ठीक है, श्रीनगर में, ठीक है। इसी पर एक और लेक है, कौन सी? वूलर लेक। कौन सी? वूलर लेक। तो पिछली बार क्वेश्चन आया कि क्या वूलर लेक इस झेलम रिवर पर सिचुएटेड है या नहीं, स्टेटमेंट था, तो है कि नहीं? है ना, लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। वूलर लेक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, तो ये बात सही है कि नहीं? यस सर, ठीक है ना, बात समझ में आई। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? किशन गंगा। कौन सी है? किशन गंगा, किशन गंगा। ये किशन गंगा रिवर है जो किस पर है? एलओसी पर है। किस पर है? एलओसी, इंडिया पाकिस्तान एलओसी पर। कौन सी रिवर है? इंडिया पाकिस्तान एलओसी, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोगों ने कितने रिवर्स की बात की? कितने? दो। लिस्ट ऑफ रिवर्स, पहले लिखिए लिस्ट ऑफ रिवर्स, कौन सी? झेलम और क्या? किशन गंगा। हाँ, वेरीनाग डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट भी नहीं कहा जाएगा, वहां पे टाउन है एक, ठीक है ना, टाउन है वहां। यहां पर बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट है, बारामुल्ला समझ रहे हैं ना, जहां पे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, ठीक है ना, यही पर है वो, इसी रिवर पे है बारामुल्ला। डल लेक, डल,
डी एल बस, ठीक है ना। डल लेक मैप में देखिए, आपको झेलम रिवर दिख रही होगी, देखिए देखिए झेलम रिवर, झेलम रिवर पे आपको श्रीनगर भी दिखेगा। श्रीनगर देखिए, इतनी छोटी रिवर पे इतने में देखेंगे क्यों, आप बड़े वाले मैप पे देखिए ना, नॉर्दर्न इंडिया वाला, तो देखिए श्रीनगर दिख रहा है, किस पर है, झेलम रिवर पे है कि नहीं। अब बताइए वहीं पे आपको बूलर लेक भी आगे आगे की तरफ बूलर लेक बना होगा, देखिएगा इसी रिवर को देखते हुए आइए, दिख रहा है, दिख गया। फिर आपको दिख रही होगी किशन गंगा रिवर, किशन गंगा रिवर दिख रही है, यही रिवर है, और ये किस पर है, एलओसी पर है, इंडिया पाकिस्तान एलओसी पर है, ठीक है ना, देखा, ठीक, चलिए बना लिया कि नहीं, बना लिया सबने, अभी नहीं बनाई, जल्दी बनाइए। बन गया, चलिए तो ये कौन सी रिवर थी, झेलम, यहां पे हमने कितने रिवर की बात की, दो, कौन सी, झेलम और किशनगंगा, टोटल कितनी हो गई, 8 रिवर। पहली रिवर कौन सी थी, जब इससे पहले हम लोग पढ़ा रहे थे तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नुब्रा, श्योक, नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी थी, श्योक की, श्योक किसकी ट्रिब्यूटरी थी, इंडस की। फिर हम लोगों ने देखा एक रिवर थी गिलगिट, गिलगिट आ रही थी कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सुरु रिवर, सुरु रिवर आ रही थी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और इस पर कौन सा शहर है, कारगिल, कौन सा है, कारगिल। उसके बाद हम लोगों ने देखा जास्कर रिवर, जो कि सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की, और वो जाके मिल रही है किससे, इंडस से, लेह के पास, लेह में नहीं लेह के पास, तो लेह पर कौन सी कौन वो नदी है, इंडस रिवर है, कौन सी है, इंडस। फिर उन्होंने देखा झेलम, झेलम पर कौन सा शहर है, श्रीनगर है, और ये इसी पर क्या है, इसी के बगल में क्या है, डल लेक, और फिर आपकी ये वुलर लेक हो गई, और इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, किशन गंगा, ठीक है ना। अगली रिंग डालिए चेनाब रिवर, चेनाब, चेनाब रिवर, ठीक है, चेनाब। अब इसमें देखिए क्या है, देखिए ये रिवर बनी है दो, यहां पर एक एक लेक है हिमाचल प्रदेश में, सूर्या तल, क्या है, सूर्या तल, ठीक है, और एक लेक है चंद्र तल, क्या है, ये चंद्र तल, ठीक। सूर्या तल से रिवर निकलती है भागा, कौन सी, भागा, और चंद्र से निकलती है चंद्रा, ठीक है, मतलब चंद्र तल से क्या निकलती है, चंद्र। अब देखिए ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, चंद्र भागा, क्या बनेगी, चंद्र भागा। यहां पर है बारालाचा पास, क्या है, ठीक है ना। तो सूर्य तल से कौन सी रिवर निकली, भागा, और चंद्र तल से कौन सी निकली, चंद्रा, ठीक है ना, ये दोनों मिलके बनती है क्या, चंद्र भागा। और ये जगह है आपकी बारालाचा के पास, बारालाचा पास के पास एक जगह है टंडी, कौन सा जगह है, टंडी, ये केलोंग में, कहाँ है, केलोंग। और यहां पर जब मिलती हैं तो ये क्या बना देती है, चेनाब, क्या बनाती है, चेनाब, ये हो गई क्या, चेनाब रिवर। आया, आई बात समझ में, तो चेनाब रिवर किन दो रिवर से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र भागा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चंद्र भागा, ठीक, चंद्रभागा रिवर ही है क्या, चेनाब। कहां से निकल रही है, सूर्य तल से और चंद्र तल से, जा रही है कहां पर, मिल रही है टंडी पर, टंडी के बाद ये क्या बन गई, चेनाब। आई बात समझ में, बना लीजिए। तो
तो यहां पर लिस्ट ऑफ रिवर्स कितनी हो गई, पहली चंद्रा रिवर, दूसरी भागा और फिर चेनाब। ठीक है, बनाइए। तो चेनाब किससे मिलके बनी है, चंद्र और भागा, चंद्र और भागा। क्या हुआ, किलोंग, किलोंग जगह है जहां पर एक और स्पेशल, मतलब ये टंडी नामक जगह है, ठीक है ना, ये कहां है, किलोंग में, जहां पर आके ये मिलती है, ठीक है। और ये जगह कहां है, बारालाचा पास के पास, बारालाचा पास याद है, याद है कि नहीं, कहां था, नहीं हाँ शिमला में तो है, कहां मतलब कहां से कहां जा रहे थे हम, हाँ मतलब मनाली टू ले, ठीक है ना। हाँ टंडी, टी ए एन डी आई, ठीक, चंद्रभागा, ठीक, याद हुआ, कितनी रिवर्स हो गई टोटल, 8 और 3 11 हो गई कि नहीं, हो गई। अब इसके आगे चेनाब हो गया, अब रावी, कौन सी रिवर लिखिए, रावी रिवर, रावी, ठीक है, रावी रिवर जो है वो कहां से निकलती है, रोहतांग पास से, कहां से निकलती है, रोहतांग पास से, ठीक, यहां पे है आपका रोहतांग पास, और यहां से रिवर निकलती है, और ये जाके किससे मिलती है, फिर चेनाब से, किससे मिलती है, चेनाब, अभी बताएंगे वो तो अभी बताएंगे ही, लेकिन अभी जान लीजिए क्या, कहां से निकल रही है, रोहतांग, इसकी दो ट्रिब्यूटरी है, क्या है, दो ट्रिब्यूटरी है, एक का नाम है चिरचिन, क्या नाम है, क्या नाम है, चिरचिन, ठीक है ना, और एक का नाम है बालजेदी, क्या नाम है, बालजेदी, चिरचिन और बाल जीत, ठीक है ना। तो यहां पे लिस्ट ऑफ रिवर्स क्या है, पहला चिरचिन, फिर बाल जेदी, और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रावी रिवर का ओरिजिन कहां है, रोहतांग पास, बताए थे रोहतांग पास कहां कहां था, कहां से कहां जाने के लिए था, मनाली से, ठीक है ना, ओल्ड रूट था ये, ठीक, उसके बाद अब नया रूट कौन सा है, अटल टनल, ठीक है ना। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रावी रिवर कहां से निकल रही है, रोहतांग पास से, ठीक। अब कितनी रिवर हो गई, 14 हो गई, कितनी हुई, 14 हो गई ना। तो यहां पे हम लोगों ने कितना देखा, 3 रिवर, ठीक। अब एक बार फिर से क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, सबसे पहले कौन सी थी, सुरु रिवर, कहां से निकल रही थी, सॉरी आपकी ये सियाचिन से कौन सी रिवर निकल रही है, नुब्रा, नुब्रा के बाद श्योक, नुब्रा किससे जाके मिल रही थी, श्योक, श्योक जाके किससे मिल रही थी, इंडस से, ठीक है ना। फिर एक रिवर आ रही है गिलगिट, गिलगिट आ रही है कहां से, पीओके से, और जाके मिल रही है किससे, इंडस, ठीक। इसके बाद फिर सुरु रिवर, सुरु रिवर आपकी पेंसिला से ओरिजिन हो रही है और कारगिल होते हुए कहां जा रही है, इंडस, ठीक है ना, आई बात समझ में। इसके बाद फिर जास्कर रिवर, जास्कर रिवर जो है जास्कर रेंज से ही ओरिजिन होगा और इसके बाद जाके मिल रही है कहां पर, इंडस से, लेह के पास, ठीक है ना, और लेह कहां पर है, इंडस पर है, ठीक।
यहां तक हो गया। इसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, झेलम। कौन सा पढ़ा था, झेलम। झेलम निकल रही थी कहां से, वेरीनाग के शेषनाग लेक से। कहां से, शेषनाग लेक, शेषनाग लेक से ओरिजिन था। और श्रीनगर सिटी किस पर है, झेलम पर, ठीक है ना। और इस पर दो लेक हैं, डल लेक और वुलर लेक, डल लेक और वुलर लेक। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, किशन गंगा। कौन सी थी, किशन गंगा, ठीक है ना। आया समझ में, ठीक। झेलम के बाद फिर चेनाब, चेनाब रिवर दो रिवर से मिलकर बन रही है, चंद्रा और भागा। चंद्रा रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ है, चंद्रतल, और भागा का सूर्यतल। दोनों आके मिलेंगे, मिलने के बाद क्या बनाएंगे, चेनाब, बारालाचा पास के पास, ठीक है ना। आया बस समझ में। इसके बाद फिर चेनाब के बाद हाँ हाँ रावी रिवर। रावी रिवर कहाँ से ओरिजिन हो रही थी, रोहतांग पास। और इसकी दो ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, बालजेदी और चिरचिर, ठीक हो गया। अब आइए आगे, बीज रिवर, इसी को क्या कहते हैं, ठीक है, व्यास यही है, ठीक है ना। देखिए इसको एक काम करते हैं, लोग बीज रिवर और सतलज एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी तक हमने जितनी भी रिवर बताई उनमें से कौन सी रिवर है जिसका ओरिजिन इंडिया में नहीं है, इंडस। इंडस का ओरिजिन कहाँ है, मानसरोवर लेक। और सतलज का भी ओरिजिन भारत में नहीं है, कहाँ है, तिब्बत। तिब्बत के रक्कसताल से, कहाँ से, रक्कसताल। तो रक्कसताल कहाँ है, मानसरोवर है अगर ये, तो रक्कस कहाँ है, यहां। इसको राक्षस ताल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, राक्षस ताल, ठीक है ना, ठीक। तो देखिए हाँ ये उसी से रक्कस ताल बना है, ठीक ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां से कौन सी रिवर निकल रही है, सतलज। कौन सी, सतलज। अच्छा देखिए यहां पे एक बात और देख लीजिए, देखिए यहां पर है आपका क्या, शिवकिला। क्या है, याद है, कहां है ये, कहां कहां, हिमाचल प्रदेश। कौन कहा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन से थे, और हाँ ये कहां था, शिवकिला कहां था, हिमाचल प्रदेश में था, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश में ये है आपका शिवकिला, और ये जो रिवर है आपकी ये यहीं से आती है, ठीक है ना। भारत इंटर कहां से करती है, शिवकिला पास, ठीक है ना। तो यहां से इंटर करेगी, और अब इसको हटा दें नहीं तो फिर बनाने में दिक्कत होगी, ठीक है ना, आपको बताने के लिए था खाली बस। यहां पे क्या, शिवकिला, शिवकिला से भारत में आई, और उसके बाद जाके फाइनली मिलेगी किससे, ये भी देखिए जितनी भी रिवर्स बता रहे हैं ये सब की सब कहां मिलेंगी जाके, इंडस से। किससे, इंडस, ठीक है। तो यहां से एंटर की शिवकिला से, और इस रिवर पर जाके, इस रिवर से जो रिवर मिलती है जाके वो कौन सी है, बीज। कौन सी, बीज, ये कौन सी है, बीज यानी व्यास, बीज रिवर, ठीक। बीज रिवर कहां से निकल रही है, ये भी निकल रही है रोहतांग पास से। कहां से, रोहतांग पास के पास एक बीज कुंड है, क्या है, बीज कुंड, बीज कुंड, वहां से निकल रही है, ठीक।
और मिलती कहां पे है? हैरिके पे। कहां पे? हैरिके। कहां पे मिलती है? हैरिके। कहां पे? हैरिके। अब देखिए आपसे यहां पे अगर आप मैप में देखेंगे तो लिखा होगा हैरिके बैराज। क्या लिखा होगा? हैरिके बैराज। तो बैराज और डैम में क्या डिफरेंस है? बैराज और डैम में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? है बैराज और डैम। देखिए जो डैम होता है वो क्या करता है, ये वो वाटर को एक रिजर्वायर होता है उसमें, यानी वो क्या करता है, स्टोर करता है और फिर रिलीज करता है, ठीक। लेकिन बैराज क्या है? बैराज पानी को क्या करेगा? डाइवर्ट कर देगा। क्या कर देगा? डाइवर्ट करेगा, ठीक है ना। तो इस जगह से पानी डाइवर्ट कर दिया जाता है, कहां पर? पूरा नहीं, कुछ पानी तो आगे जाएगा ही, और कुछ पानी कहां डाइवर्ट कर देते हैं, इससे बनाते हैं, इसे कहते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी कैनाल। देखिए मैप में दिख रहा होगा, एटलस में दिख रहा है, राजस्थान की तरफ दिख रहा है, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में देखा, दिख रहा है। तो राजस्थान में जो पानी पहुंच रहा है वो कहां से पहुंच रहा है? इस इंदिरा गांधी कैनाल से। कहां, किसका पानी पहुंच रहा है? सतलज और बीस का, सतलज और ब्यास का। आई बात समझ में? आया, ठीक है, बस इतनी सी बात है, बना लीजिए इसको। हो गया, हो गया कि नहीं? अब देखिए लास्ट बात देख लीजिए बस, कितनी रिवर हो गई टोटल, कितनी हो गई, कितनी हुई? हाँ पीछे कितना हुआ, कितनी रिवर हो गई? 15 हुई है। हाँ 18 हो गई है। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि नहीं? यही है। अब देखिए ट्वेल्व हुई है। ये वाला नहीं देखा क्या आपने? 20 और इसको काउंट किया, हाँ 16 हुआ है। चलिए अभी रिवाइज करते हैं। देखिए आपकी, हाँ बस सामने देखिए, देखिए यहां से आपकी जा रही है रिवर कौन सी? इंडस। कौन सी? इंडस, ठीक है ना। अब हम बता रहे हैं जो पंच नदी बताए हैं वो किस तरीके से जाके किससे मिल रही है? इंडस से, ठीक। इसके बाद यहां पर एक रिवर है, कौन सी? कौन सी सबसे पहले कौन सी है? झेलम। कहां से निकल रही थी? कहां से निकल रही थी बताइए? झेलम रिवर का ओरिजिन कहां से था? शेषनाग। और फिर यहां पर है दूसरी रिवर, कौन सी है फिर? चेनाब। चेनाब आई, ठीक है। अब देखिए ये जो आपकी ये रिवर पहले बना देते हैं, ये कौन सी है? इंडस। ये कौन सी है? हाँ झेलम। और ये कौन सी है? चेनाब, ठीक है। इसके जस्ट नीचे कौन सी है रिवर? तो रावी रिवर और कौन सी? झेलम। किसकी ट्रिब्यूटरी है? चेनाब की, ठीक है ना। लगभग एक जगह पे जाके दोनों मिलती हैं, लगभग एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ये यहां पे तो मिल नहीं रही है, इसलिए हमको ये जानने की जरूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद फिर एक रिवर कौन सी है?
सतलज, कौन सी है? सतलज, वो भी आ रही है कहाँ से आपके? रकस ताल से होते हुए आ रही है, और वो भी कहाँ जाके मिल रही है? कहाँ जाके मिल रही है? सीधे चेनाब, और ये चेनाब फाइनली जाके किससे मिल जाएगी? इंदस। हाँ व्यास भी बता रहे हैं, व्यास कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। ये कौन सी है? बीज। और ये जगह कौन सी है? हैरिके। आया समझ में? आया कि नहीं? झेलम पर क्या था? श्रीनगर था कि नहीं? इस पर क्या था? लेह था, ठीक है। अब बस इसको बना लीजिए। तो ये पंच नदियां हैं जो जाके किससे मिल रही हैं फाइनली? इंडस से। बन गया। तो सबसे पहले कितनी रिवर्स थी? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था नुब्रा, फिर शियो, फिर गिलगिट, फिर सुरू, फिर जास्कर, और किस में जाके मिल रही थी? इंडस। हुआ कितना? 6 रिवर हुआ, ठीक है ना। उसके बाद फिर झेलम और किशनगंगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर हम एक ही लेंगे क्योंकि झेलम तो हम लोगों ने काउंट कर लिया है। तो कितना हो गया? 7, ठीक है ना। कितना हुआ? 7, ठीक है ना। कितना हुआ? 7। उसके बाद फिर चेनाब, चेनाब में हमने पढ़ा क्या? चंद्रा और भागा, ठीक। और खुद भी क्या है? चेनाब। तो कितना हो गया? 10 हुआ, ठीक है। कितना? 10 हुआ, ठीक है ना। इंडस को काउंट, हाँ 10 हुआ ना। फिर उसके बाद चेनाब के बाद फिर रावी, रावी में जाके कौन से मिल रही थी? चिरचिंद और बालजेदी, बालजेदी। अब कितना हो गया? 13, ठीक। इसके बाद फिर 20 और सतलज, 15, ठीक है ना। कितनी रिवर्स थी? 15। अब इसको आप लोग घर में क्या करिएगा, इसको खुद से बनाइएगा लिस्ट ऑफ रिवर्स, खुद से लिखिएगा बिना देखे हुए। अब सीरियल बन रहा है कि नहीं? सीरियल बना है ना, हाँ हाँ सही था, ठीक है। तो अगर कोई चीज़, चलिए ठीक है, हो गया, चलिए।